तो एक बार फिर हाजिर हैं हम टैक्स प्लानिंग के साथ, आपके इनकम टैक्स से जुड़े कठिन से कठिन सवालों के आसान भाषा में हम आपको देते हैं जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आज का शो यंगस्टर्स के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, उन नए लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है जो नया बिजनेस स्टार्ट करने की फिराक में है, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं रजनीश शुक्ला जी। रजनीश शुक्ला जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू आवर शो। सर, थैंक यू कविंद्र जी। थैंक यू सर। एक चीज़ है, नया कोई यंगस्टर है वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तमाम सवालों से घिरा हुआ होता है, कई सवाल उसके सामने होते हैं, कई तरह के कीवर्ड्स उसके सामने होते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सर पार्टनरशिप, LLP और कंपनी, इन तीनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है? सर, अच्छी बात है नए एंटरप्रेन्योर्स आए, इंडिया को बहुत ज़रूरत है नए एंटरप्रेन्योर्स की। सर, दिस इज़ ओनली अ मोड बाय विच यू कैन डू बिजनेस। हमने बिजनेस किया, हमारे बिजनेस करने की इच्छा है, हमारे पास अपने तरीके होते हैं, गवर्नमेंट ने जिसको प्रिस्क्राइब भी किया है आपके लिए। आपने एज इंडिविजुअल शुरू किया कोई बिजनेस, आपने प्रोप्राइटरी वर्ड यूज़ हो जाता है। आपने किसी के साथ मिलकर बिजनेस करना शुरू किया, एक से ज़्यादा लोग हो गए, प्रॉफिट मोटिव हो गया, बिजनेस या प्रोफेशन हो गया, पार्टनरशिप में कवर हो जाता है, कवर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपने कहा नहीं, हम एज अ कंपनी जाना चाहते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू जाते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, कंपनी फॉर्म करते हो, यू स्टार्ट योर बिजनेस इन दैट मोड। गवर्नमेंट ने एक और मोड बीच का प्रिस्क्राइब किया है। कई बार होता है इंसान कहता नहीं, कंपनीज में हमारे पास कंप्लायंसेस बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सरकार ने कहा ठीक है, हम आपको एक मिड पाथ देते हैं, आप पार्टनरशिप से तो बाहर निकल आते हो लेकिन समवेयर कंपनी से पहले ही बीच में रुक जाते हो, जो LLP का कॉन्सेप्ट आया है, LLP 2008 के थ्रू, जिसमें आपको पार्टनरशिप का बेनिफिट भी मिल जाता है और साथ का साथ आप जो है प्रॉपर कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी एक तरीके से एंटर कर जाते हो। प्लीज़ कविंद्र, आपने प्रोप्राइटरशिप का वर्ड का यूज़ किया, आपने बताया कि जब इंडिविजुअल जब बिजनेस करता है तो इसके तहत आता है। हम लोग कहीं मार्केट में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो तमाम दुकानों के बारे में इस तरीके के वर्ड्स को लिखा हुआ पाते हैं। सर, इस पर थोड़ा सा ब्रीफ करके आप बता दें कि प्रोप्राइटरशिप का सीधा मतलब क्या है, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को लेकर आप ब्रीफ कर सकें। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने आज अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, आई एम इंडिविजुअल, एज इंडिविजुअल हमने शुरू किया अपने काम को, हमने कोई भी अच्छा सा नाम चूज़ किया, बिजनेस शुरू कर दिया। हो सकता है उसके बेसिस पे, उस नाम के बेसिस पे, या हमने अपने इंडिविजुअल नाम पे हमने करंट अकाउंट खोला, हमें ज़रूरत पड़ी, अगर हमारा टर्नओवर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है तो हमने GST के रजिस्ट्रेशन कराए और हमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। सिंपल ये एज इंडिविजुअल मेरा बिजनेस करने का तरीका प्रोप्राइटरीशिप में कवर हो जाता है आपका। प्लीज रजनीश शुक्ला जी, एक्चुअली होता क्या है कि कोई नया बिजनेसमैन है, वो नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, कोई नया यंगस्टर है, कोई नया इंडिविजुअल है, वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो ऐसे भारी भरकम वर्ड से वो घिरा हुआ होता है जो समझना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया था LLP का, तो ये LLP क्या है और ये LLP फंक्शन कैसे करता है, कैसे वर्क करता है ये LLP, ये है क्या चीज़ पूरा? सर, आप पार्टनरशिप से शुरू करें, हमने कहा हमने किसी के साथ मिल के एक बिजनेस शुरू किया, प्रॉफिट मोटिव के साथ शुरू किया और कल को हम या हमारे साथ जो हमारा पार्टनर है, हम सब उस बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, लायबिलिटी हम सब की उसमें हो जाती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो जाती है। ये तो हमारा आ गया पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के बाद जैसे ही हम LLP की तरफ बढ़ते हैं, इफ़ यू सी द वर्ड, यहाँ भी हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, वहाँ भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया। पार्टनरशिप में हम कहते थे अगर पार्टनर ने बिजनेस किया है और कल को कोई लायबिलिटी अराइज करती है, हम इलीगल लायबिलिटी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, इलीगल में तो फिर कहीं भी कॉर्पोरेट वेल में भी आप बात करोगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट आता है और सारे ही कवर हो जाते हैं, सब पे लायबिलिटी आ जाती है। नॉर्मल पैरलेंस में पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर के ऊपर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसे ही आप उसको LLP मोड में लेके चले जाते हो, LLP में सब कुछ वैसे ही चलता है, आपकी लायबिलिटी पार्टनर्स की, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन डाला है बिजनेस में, उनकी डीड के हिसाब से आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। जी सर, अगर मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अभी मैं इतना अपने आप को काबिल नहीं मानता कि मैं अकेले स्टार्ट करूँ, तो मैं सोचता हूँ कि 3-4 पार्टनर्स को लेकर हम इस पर बिजनेस पर काम करते हैं, तो ये बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है, ये कैसे फंक्शन करता है, जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस मॉडल होता है? नॉर्मल है सर, आप सारे लोग मिलिए, मिलने के बाद आप लोगों ने एक बिज़नेस डिसाइड किया, एक बिज़नेस प्लान डिसाइड किया, आपके पास एक टारगेट है, आपने बिज़नेस शुरू करने के लिए आपने हो सकता है एक पार्टनरशिप डीड बनाई जिसमें आपने अपने कंडीशंस रखी हैं, बिज़नेस क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, कौन सा पार्टनर उसको टेक केयर करेगा या सारे पार्टनर क्या क्या टेक केयर करेंगे, प्रॉपर वो डीड बन जाएगी
उस डीड के बेसिस पे आप अपने करंट अकाउंट खुलवाइए, बिजनेस शुरू कर दीजिए, पैसे कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, उसमें आप एक एसएससी हो गया अलग से इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, पार्टनरशिप के बारे में जैसे कि आपने बताया, तो अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ कि पार्टनरशिप से अगर मेरे को बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसको तब्दील करना हो तो वो कैसे हो सकता है, वो प्रोसेस क्या है सर, प्रक्रिया क्या है उसकी? सर ये बेनिफिट देती है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी देती है, और इसमें हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स का सेक्शन 47 भी है जो आपको इसमें बेनिफिट देता है। यस, आप कर सकते हो, और आपको दिस ट्रांसफ़र फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म टूवर्ड्स दिस कंपनी इज़ नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कहने का मतलब हुआ वो इस ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र नहीं मानते, मतलब इस पर वो आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो ये आप कर सकते हो, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ मैंडेट्स हैं जो आपको उनके पूरे करने होते हैं। जैसे जो पार्टनर आपके थे, जिस रेशियो में थे, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वही कल को उस कंपनी में शेयर होल्डर बने, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग उनके पास ही रहे अगले 5 सालों तक, जो भी एसेट और लायबिलिटी आपकी फर्म की वो सारी उधर शिफ्ट हो जाएं। ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप फॉलो करते हो तो ये बहुत अच्छा है, आप पार्टनरशिप से कंपनी की तरफ जा सकते हो। जो बेस्ट बेनिफिट मिल रहा है इस समय अगर आप देखो तो व्हेन यू सी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को आप 30% के रेट से टैक्स देना होता है, जबकि आप कंपनी में अगर चले जाते हो तो कंपनी के पास रेट अभी 22% का है। तो ये एक स्पेशल बेनिफिट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाली आप बात कर लेते हो तो वहाँ पे तो रेट ये 15% तक भी चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो आपको मिलता है कन्वर्जन के बाद। अच्छा रजनीश शुक्ला जी, ये एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है इसमें किस तरीके के बेनिफिट्स मिल सकते हैं और टैक्स स्लैब्स क्या डिफरेंट रहते हैं? टैक्स स्लैब्स भी वही रहते हैं जो आम लोगों के लिए होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा ये है क्या, ये सिस्टम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है? इसमें बेनिफिट्स की बात करूँ, बेनिफिट्स किस किस तरह से मिलते हैं, या फिर इसमें मैं अगर टैक्स स्लैब्स की बात करूँ तो इस पर थोड़ा सा आप समझाइए जरा दर्शकों को। सर हमारी जो सरकार है अभी, इसने इफ़ यू सी स्किल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया करके अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स लाए हैं। इंटेंशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी है कि हमारे यहाँ से स्किल्ड पर्सनल भी तैयार हों और साथ के साथ एंटरप्रेन्योर तैयार हों। तो ऑफ कोर्स पूरी आप मान के चलो तो कंट्री की ही एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें हम। बात है एंटरप्रेन्योर की, एंटरप्रेन्योर हमने कोई बिजनेस करने का इरादा किया, हमारे पास उसको लेके बहुत अच्छा प्लान है, हम उसको कल को बड़ा करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप उसमें आ गई। करना कैसे है अभी आप पीछे डिस्कस कर सकते हो, एज इंडिविजुअल आप शुरू कर सकते हो। आपको लगता है नहीं हमको बहुत बड़ा लेके जाना है इसको, इंडिविजुअल कहीं पॉसिबल नहीं होगा, आप कुछ लोगों को और जो आपके साथ लाइक माइंडेड हो उनके साथ, क्योंकि देखो कई बार होता है मे बी आई हैव सम क्वालिटी, आई हैव सम स्किल, बट मे बी वहाँ पैसे भी हमें चाहिए, तो हम लाइक माइंडेड पर्सन कनेक्ट होते हैं एक इंटेंशन के साथ और बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक आपका तरीका हो गया बिजनेस करने का। आपने कहा नहीं हम इसको और बड़ा लेके जाना चाहते हैं, हम इसको अच्छे ब्रांड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप फिर कंपनी मोड में कहीं ना कहीं चले जाते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या आगे लॉन्ग रन में आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ मूव हो जाते हो। प्लीज़ सर, आपने जैसे कि पैसों का यहाँ पर जिक्र किया, पैसों का जिक्र आते ही मन ले कैपिटल मनी। सर कैपिटल मनी को हम अपनी कंपनी में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल मनी है क्या, इसका पूरा क्या है, वर्क क्या है, प्रक्रिया क्या है, कैपिटल मनी को इंट्रोड्यूस अगर मुझे अपनी कंपनी में करना है तो वो कैसे करते हैं, और कैपिटल मनी अगर मैं कीवर्ड के तौर पर देखता हूँ तो ये कैपिटल मनी क्या है? सर हम अगर कंपनी की बात करें, हमने आज अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लिया, अब हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई, हमारे पास प्लान्स हैं, हमारे पास सारे जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं सारे रेडी हैं, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो चुकी है, और आज हम अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। बिजनेस शुरू करने का मतलब अगर हम अपने सब्जेक्ट मैटर को ले कर चलें, हो सकता है हमें इनिशियली ऐसे पैसे की ज़रूरत पड़े जो हमें इनकम आने से पहले ही खर्चने पड़ जाए बिजनेस के लिए। अब हमने अपने आप को रजिस्टर तो करा लिया, गवर्नमेंट कहती है आपने जितने कैपिटल के साथ अपनी कंपनी को इनिशियली रजिस्टर कराया है और जो जो शेयर होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने उस लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया है, उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम वो उस पैसे को कंपनी में ले आए। कैसे लाओगे आप, करेंट अकाउंट खोलोगे, करंट अकाउंट खोलने के बाद आपके जो भी पार्टनर्स हैं या जो आपके यहाँ शेयर होल्डर्स हैं, इनफैक्ट कंपनी के केस की बात करें तो वो उसमें पैसे डालते हैं। दिस इज़ द इनिशियल मनी जो बिजनेस को या आपकी कंपनी को ज़रूरत है शुरू की पीरियड को पास ऑन करने के लिए। धीरे धीरे कल को आपकी इनकम आने लग जाएगी और चीज़ें वर्किंग कैपिटल और चीज़ें आपकी मूव करना शुरू हो जाती हैं। तो द बेसिक मनी जो आपने इंट्रोड्यूस किया कंपनी में वो आपका कैपिटल मनी हो गया। एडिशनल रिक्वायरमेंट है सर, आपने जब कंपनी में अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया, आपको ISC 20A फाइल करते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ,
उसके बाद आप फ्री हो जाते हो अपने बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज़ को शुरू करने के लिए। प्लीज़ कविंद्र जी। सर, हालांकि आपने जब एंटरप्रेन्योरशिप का बारे में बता रहे थे तब आपने बताया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट्स की कई स्कीम्स चल रही हैं, जो कई स्कीम्स जो वर्क कर रही हैं, इसमें सर स्टार्टअप जब इंसान कोई करता है, कोई इंडिविजुअल है या कुछ भी, स्टार्टअप पे जब हम आते हैं तो इसमें गवर्नमेंट हमें किस तरीके से मदद करती है, हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से हमारा सपोर्ट सिस्टम बनती है? सर, हमने अभी आपसे बात करी थी स्टार्टअप इंडिया की। स्टार्टअप इंडिया में अगर आप देखो तो सरकार ने, अगर आप नए एंटरप्रेन्योर हो, खासकर इन्होंने शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और लेडी एसएससीज के लिए आप, मैं बोलूँगा तो उनके लिए इन्होंने प्रावधान किया है वहाँ पे। दे प्रोवाइड प्रॉपर स्टार्टअप लोन्स ऑल्सो, जिसको आप कह सकते हो सीड लोन की तरीके से, ताकि वो हेल्प कर सकें इन एंटरप्रेन्योर्स को। स्किल इंडिया, जो कि काफ़ी पीछे पॉपुलर रहा है, जिसमें इन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों को स्किल देने की कोशिश करी है ताकि वो अपना बिजनेस और छोटा छोटा रोज़गार शुरू कर सकें। इसके बाद अगर आप कंपनी की तरफ भी आओ तो आज के समय में आप देखो, इफ़ यू आर रेडी विथ योर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी है तो 1 से 2 दिन में आपकी कंपनी भी रजिस्टर हो जाती है। दे हैव मेड इट फास्ट ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने रजिस्ट्रेशन और चीज़ों को पूरा कर सकें और अपने बिजनेस को शुरू कर सकें। प्लीज़ सर। बिल्कुल सर। बिजनेस स्टार्ट हो गया फिर बिजनेस के हम आगे बढ़ते हैं, बिजनेस हमारा चलने लगा, उतार चढ़ाव कई दफ़ा दिखे जाते हैं बिजनेस में सर, तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा बिजनेस जो है स्लो डाउन हो जाता है या फिर एक हमारे बिजनेस को कोई झटका लगता है, हमारा बिजनेस जो है वो घाटे में चलने लगता है, ऐसे में अगर मैं अपने बिजनेस को बेचता हूँ या उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसमें इन्वेस्टमेंट है मेरा, मैं उसको बेचता हूँ, तो ऐसे में क्या मेरे को टैक्स देना होगा? ऐसे में मैं लायबल होता हूँ टैक्स देने के लिए? सर, अगर आप एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स बेचने की बात कर रहे हो, बिल्कुल, जैसे हमारे फर्स्ट राउंड में भी बात हुई थी, पिछले बार आपसे मुलाकात हुई थी, तो हमने कहा था अलग अलग हेड्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं जिनमें आपको टैक्स देना होता है। अगर इसमें से हम किसी एसेट सेल की बात करें, और एसेट का मतलब हम कहीं ना कहीं कैपिटल गेन में जाते हैं और कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं। यस, अगर आपको उसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, एज द केस में भी आपके पास वहाँ टैक्स की लाइबिलिटी आ जाती है। इसके बाद अगर आप पूरे पूरे बिजनेस को भी सेल करने की कई बारी बात करते हो, तो सेक्शन 50B है आपका इनकम टैक्स एक्ट का, जो स्लम सेल की बात करते हैं, वहाँ पर भी आप अपने बिजनेस को सेल आउट करते हो, प्रावधान वही चलते हैं आपके कहीं ना कहीं कैपिटल गेन। अच्छा सर, एक पर्सनल क्वेश्चन और होता है, पर्सनल ऐसे हो जाता है कि अगर हस्बैंड है, हस्बैंड का एक बिज़नेस चल रहा है और दूसरी तरफ उनकी जो वाइफ है उनका भी एक बिज़नेस चल रहा है, लेकिन दोनों बिजनेसेस का जो नेचर है, मतलब बिज़नेस एक तरह के हैं, एक तरह के अगर बिज़नेस किए जा रहे हैं, तो वो उसको एक में कंसिडर किया जाएगा या फिर उसको अलग अलग माना जाएगा, क्योंकि वो फैमिली एक है, तो उसको बिज़नेसेस को अलग अलग कंसिडर कर सकते हैं या फिर उसको एक माना जाएगा, ये है सवाल। सर, आप टैक्स की बात करो और इनकम टैक्स एक्ट की बात करो, तो इनकम टैक्स एक्ट में हम एसएससी की बात करते हैं, और हर एसएससी अपने आप में सेपरेट एसएससी होता है, मतलब हस्बैंड इज सेपरेट एंड वाइफ इज सेपरेट, तो उनकी जो भी इनकम होगी उस पर वो दोनों ही सेपरेटली टैक्स देंगे और सेपरेटली एसेस किए जाएंगे। सर, एक चीज़ और है कि अगर एक पर्सन है वो अपनी कंपनी को क्या खुद लोन दे सकता है, या फिर उस कंपनी से, अपनी खुद की कंपनी से क्या लोन ले सकता है, क्योंकि अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं क्या अपनी कंपनी से लोन लेने के लिए अवेलेबल हूँ, लायबल हूँ, या फिर अपनी कंपनी को खुद लोन दे सकता हूँ, ऐसा कुछ पॉसिबल है और नॉट? सर, दो एक्ट्स को आप मिक्स करके चल रहे हो इसमें, कंपनीज एक्ट को भी और साथ में इनकम टैक्स एक्ट को। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मना नहीं है, आपके फंड्स मूव होते हैं, नॉर्मल पैरेलल्स में भी मूव होते हैं, बट हाँ, यस, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। जैसे अब हम बात करें कि कंपनी के डायरेक्टर ने या शेयर होल्डर ने कंपनी को लोन दिया, यस, वो दे सकता है, बट थिंग इज क्लियर कि उसके अपनी फंड्स होने चाहिए, उसने कहीं से बोरोड फंड नहीं लिया है और वो देता है। जब लेने की भी बात करते हो तो हाँ, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं डाली है सेक्शन 222E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, कि अगर आपकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और आप ऐसा कोई पैसा लेके जाते हो तो उसको वो डीम्ड डिविडेंड में लेके चले जाते हैं। तो अगर आप इस लेने और देने की बात करते हो तो डू टेक केयर ऑफ दोज रिलेवेंट सेक्शंस प्रायर टू मूविंग फंड्स हियर एंड देयर। प्लीज़, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग इन टू आवर शो। तो ये था आज का हमारा टैक्स प्लानिंग, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर कोई नया व्यक्ति, अगर कोई नया इंडिविजुअल अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो किस तरीके से वो सहूलियत के साथ अपना बिजनेस कर सकता है, किन सहूलियतों के साथ वो अपना बिजनेस चला सकता है। हमारी जो ये टैक्स प्लानिंग की जो सीरीज़ है वो रुकने वाली नहीं है, हमारी सीरीज़ लगातार जारी रहेगी, और इसी तरह हर हफ्ते शनिवार के दिन हम आपके बीच आएंगे एक्सपर्ट के साथ अपने, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को आसान कर सकते हैं। टैक्स आप ही को देना है, लेकिन उसको बचाना कैसे है ये हम आपको बताएंगे। बिजनेस से जुड़े तमाम सवालों के
हम आपको जवाब देंगे। जितने भी इकोनॉमी से संबंधित, जितने भी आपके बिजनेस मॉडल से संबंधित, जितने भी आपके जेब का खर्च बचाने से संबंधित, सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम हर शनिवार को यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सबसे अहम बात, आप अपने सवाल हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिनके हम जवाब देंगे शनिवार को। आपके सवाल हमारे द्वारा लिए जाएंगे और हम आपके तमाम सवालों के जवाब यूं ही देते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। थैंक यू।